साथियों, मैं जसवंत जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और वर्करों ने अपने विचार रखे कि आईटी जिंदाबाद, आईटी का मैं जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद, धन्यवाद साथियों। मैं पूरे समाज का योगदान लगा ते फिर पेन बनया है। माचिस की चीनी बनाने विच भी पूरे समाज का योगदान होंदा है, पर जानते नहीं। ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਟੂਬ ਤੋਂ ਖਾ ਕੇ। ਔਰ ਆਪ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਵੀ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੀਲਿਏ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਤਾ ਹੈ ਉਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ। अगर वो महंगाई इसी रफ्तार से चलती रहेगी, उसका वेतन तो कम हो जाएगा। तो इसीलिए उसकी मांग है कि आप उसको किस फॉर्म में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्या इंक्रीमेंट आप दे सकते हैं, क्या किस किस्म के भत्ते आप दे सकते हैं, वो उसका अधिकार है। ये मांग पत्र जो ल्यूमिनस वर्कर यूनियन है उसने मैनेजमेंट को दिया है। 3 दिन की हड़ताल उन मांगों पर की गई और मेरा दायित्व बनता था, मेरी जिम्मेवारी बनती थी। मैं एक चुनाव विधायक है और किसी भी चुने हुए विधायक की जिम्मेवारी है कि समाज के अंदर किसी की भी पीड़ा अगर उठती है उसको उस पीड़ा के साथ अपनी आवाज़ बनानी है और निवारण करने के लिए रास्ता ढूंढना है। और इसलिए जब मुझे इन्होंने आमंत्रित किया, मैं यहाँ पर इनके मंत्रण पर आया हूँ। क्या ये मुद्दा विधानसभा में? निश्चित रूप से मैं उसको उठाऊंगा, न केवल विधानसभा के अंदर लेकिन जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि ये पीड़ा का प्रश्न है। ह्यूमनिस्ट कंपनी आज उसको मुनाफा बनता है, उत्ता बनता है जब ये मजदूर काम करके उसको देता है, बैटरी को तैयार करता है और बैटरी बाजार में बिकती है तो ल्यूमिनस कंपनी को मुनाफा मिलता है। उस मुनाफे का एक हिस्सा इस मजदूर का भी अधिकार बनता है। तो मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेवारी बनती है, मेरा दायित्व बनता है, जहाँ जहाँ इनके पक्ष में मैं अपनी बात को रख सकता हूँ निश्चित रूप से मैं रखूँगा। धन्यवाद।